Firstly, congratulations. Whatever your result is, you have officially entered a new phase of life. See, leaving school coincides with entering adulthood, and that not only comes with a major scope for transformation.

पैंडेमिक चल रहा था हमारे बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आए थे एंड आई वॉज रियली एंशियस बिकॉज एट लीस्ट बैक देन आर बोर्ड एग्जाम रिजल्ट मैटर्ड अलॉट बिकॉज दैट डिक्टेटेड आप किस यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो नाउ विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ ट्वेल्थ का स्कोर लेती हैं बट आई रियली वॉन्टे टू गो टू डेली यूनिवर्सिटी रियली रियली टू गो टू टेली यूनिवर्सिटी एंड नॉट ओनली देट आई वॉन्ट टू गो टू द टॉप फाइव कॉलेज ऑफ डेली यूनिवर्सिटी इन द नॉर्थ कैंपस तो उनकी कड़ोफा तो बहुत हाई जाती थी सो वन आई रिसीव माई रिजल्ट यू नो आई didn't score as much as I thought I would. I thought I'd get like a 98 and I got like a 94.75. And that broke me inside. And you "Ha think that we are very privileged that we 95 and we are crying here. But 95 was not enough, you know. And I had to take the risk on re-evaluation and thankfully, re-evaluation worked out for me. But we used to give it so much importance. Like at that time, we used that that defines who we are as people, that defines our talents, that defines our capabilities, and that places limitations on us. Now it's been a year since I graduated undergrad college. I went to Ramjas, I pursued a degree, an honors degree in English literature. It's been a year since that. So, four years since my 12th board results, I've learned a few things, and I just want you to be reminded of them so that you know that this is not the end of the world. See, there are two things in life that define our professional. लाइफ राइट इट्स आई दर सक्सीडिंग और नॉट सक्सीडिंग आई डोंट लाइक यूजिंग द वर्ड फेल आई डोंट बिलीव दैट थिंग एग्जिस्ट सो वैन यू सक्सीड इन अकॉर्डिंग टू यूर एक्सपेक्टेशंस या फिर आप एक ऐसे रिजल्ट ले आते हो जो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे यू स्को बिलो योर एक्सपेक्टेशन और आपको लग रहा है कि आपका बहुत बुरा स्कोर आया है ये मोमेंट्स आपको डिफाइन करते हैं समटाइम्स पीपल स्कोर सो हाई उनके इतने अच्छे नंबर आ जाते हैं दैट दे मेक इट देर इंटायर पर्सनैलिटी उनके मतलब हर वैन एवर देशन देर ट्वेल्थ मार्क्स एंड दिस काउंटर एक्स गाइज बिकॉज लाइफ इज वे बिगर दैन ट्वेल्थ के मार्क्स इट ड मैटर इफ स्कोर हंड्रेड परसेंट लाइफ इज वे बिगर देन दैट आपके बहुत एग्जाम्स आएंगे वेट अफ अवेल्थ ओके ट्वेल्थ तो आपको टुच्चा एग्जाम लगेगा समीज फ्रॉम नाउ आपके इमोशनल स्ट्रगल्स बढ़ेंगे यू आर एंटरिंग एडल्ट हुड यू हैव टू लर्न हाउ टू नेविगेट द वर्ल्ड विच अ वे वे बिगर चैलेंज देन यू कैन इमेजिन और अगर आप इसी रैट रेस में फंसते रहोगे वेर यू सेलिब्रेट योर सक्सेस टू एन एक्सटेंट वेयर यू अलाउ योर ईगो टू टेक यू ओवर और यू डीम योर नॉट सक्सेस एज अ फेलियर और यू थिंक कि तुम्हारी वर्थ इन चीज़ों से डिफाइन होती है देन यूल ऑलवेज स्टे ट्रैप्ड इन द रैट रेस सोसाइटी हैज़ बिल्ड फॉर यू यूल कीप डिफाइनिंग योर सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ

ओके okay, ट्वेल्थ में इतने नंबर चाहिए उसके बाद इस कॉलेज में जाना है उसके अलावा कोई कॉलेज मिला बहुत बकवास है अच्छा इस कॉलेज में आ गए इसमें रैंक वन लानी है रैंक वन नहीं लाए तो हम बकवास हैं अच्छा चलो रैंक वन ले आते हैं रैंक वन के बाद सबसे हाई प्लेसमेंट चाहिए अच्छा हाईएस्ट प्लेसमेंट मिल गई लेकिन उस बंदे को मकिनजी में प्लेसमेंट मिली है मुझे डिलोयट में मिली है अरे यार अब क्या होगा अब क्या होगा अब मुझे मकिनजी जाना है चलो मैं मकिनजी में पहुंच गया वाई एम आई नॉट द पार्टनर एट मकिनजी मकिनजीट वाई एम आई नॉट अ पार्टनर यट सो दिस नेवर एंड्स दिस डजेंट एंड एंड अगर आप इस चीज को अभी से स्पोर्ट नहीं करते योर होल लाइफ विल बी स्पेंड लिविंग इन अकॉर्डिंग्स टू अदर पीपल्स एक्सपेक्टेशन और सोसाइटी स्क्रिप्ट फॉर यू आई वोट नाइंटी सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट इन ट्वेल्थ एंड असाइड फ्रॉम इट गिविंग मी क्रेडिबिलिटी एज अ टीचर टू डे इट डजेंट मैटर नाउ आई नो मेरे लिए इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई वेंट टू अ वेरी गुड कॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ माई ट्वेल्थ मार्क्स बट फॉर यू गाइज इट डज नॉट मैटर योर ट्वेल्थ मार्क्स डोट मैटर नॉट इवन फॉर कॉलेज आपके नाइनटी नाइन परसेंट आ गए ठीक है ट्वेल्थ में सी यू टी में आप पाँच सौ नंबर ला रहे हो क्या होगा आपका नहीं होगा नथिंग विल हैपन द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री सेंट स्टीफन एस आर सी सी देट केयर अबाउट योर ट्वेल्थ मार्क्स दे जस्ट लुक एट द एंट्रेंस एग्जाम स्कोर ऑन योर सी यू टी दैट्स इट और अब क्या होगा इफ यू गॉट गुड मार्क्स आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा यू विल बिकम कॉकी आप पढ़ना छोड़ दोगे आपका सक्सेस ही विल बी द रिजल्ट यू डोंट गेट सक्सेस इन अदर थिंग्स सक्सेस लीड्स टू नो सक्सेस थिंक ऑफ हाउ डीप दैट स्टेटमेंट इज You need to tune out the world. It doesn't matter what your parents think of your result. It doesn't matter what your friends think how much they scored. हाँ आप लोग कहेंगे कॉम्पिटिशन क्या कॉम्पिटिशन क्या है हाँ होगा भाई दुनिया में But your तुम तो किसी और की जिंदगी नहीं जी रहे ना Your material reality does not change. अगर आपके नेबर के 96% सिक्स परसेंट आ रहे हैं और आपके नाइन्टी परसेंट आ रहे हैं आपकी जिंदगी पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा जब भी आप अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहे हो

एक बहुत काबिल इंसान अगर एक बहुत पुअर अंडर प्रिविलेज घर में पैदा होता है जहां पे उसकी बेसिक न्यूट्रिशनल नीड्स मीट नहीं होती क्या उसको उतना सक्सेस मिल पाएगा एक इंसान बहुत डम है लेकिन उसके पास बहुत सारा एक्सेस है दुनिया के बेस्ट ट्यूटर्स हैं क्या उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो बहुत चीजें होती हैं इट्स नॉट अ सिंपल पुट समथिंग इन एंड गेट एवरीथिंग आउट वाला गेम टू प्लस टू डज नॉट ऑलवेज इक्वल फोर इट कम्स टू दिस बिकॉज कंडीशन इन्फ्लुएस अ लॉड ऑफ थिंग्स आई एम नॉट सिंग दट यू शूड गिविअप मै बी लाइक हाँ उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं मेरे पास कम है बट यू हैव टू एग्नोलेज द इम्पॉर्टेंस दैट दे प्ले चाहे आपके कम आए हैं चाहे आपके ज्यादा नंबर आए हैं ज्यादा आए हैं सेलिब्रेट आई एम नॉट से नॉट एन अचीवमेंट आई गॉट वेरी हाई मार्क्स इन ट्वेल्थ एंड आई वॉज इलेटेड ओके आई वॉज इलेटेड एंड आई रियली रेवल्ड इन दैट सेलिब्रेशन बट कॉलेज में आके इट इट डेंट मैटर आई स्टिल नो पीपल दे आर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ठीक है it, it कॉलेज में उनकी कोई सी नहीं आई ठीक है कॉलेज में दे डिट डू एनी आज तक देर बिगेस्ट अचीवमेंट इज उनके बारहवीं में नंबर कितने आए थे बट हाउ डज इट मैटर इन द रियल वर्ल्ड टूडे इट डज इंट और अगर आपके नंबर इतने नहीं आए और यू स्कोड बिलो योर एक्सपेक्टेशन दिस इज द वेक अप कॉल फॉर यू गाइज नॉट सेंग ट्थ के नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं नॉट सेंग बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है बट वी हैव टू लुक फॉरवर्ड वी हैव टू चेंज वी हैव टू आइडेंटिफाई कि अगर हमारे नंबर कम आए हैं या ज्यादा आए हैं तो क्यों आए हैं एंड वो चीजें हमें या तो एलिमिनेट करनी है या तो रिपीट करनी है नंबर अच्छे आए हैं लुक एट द पॉजिटिव ट्रेड व्हाट लेड टू दिस रिजल्ट एंड फॉर एग्जांपल योर वर्क एथिक द फैक्ट दैट यू लॉट ऑफ मॉक टेस्ट द फैक्ट दैट यू हैड अमेजिंग गाइडेंस आपकी मेंटरशिप बहुत सॉलिड थी आप ग्रांडे गार्ड के स्टूडेंट थे यू नी टू रिपीट दैट फॉर एवरी स्टेट ऑफ योर लाइफ बिकॉज नाव यू हैव ट्राइड एंड टेस्टेड मैथड और यू थिंक तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए क्यों नहीं आए मे बी यू लेज अराउंड मे बी आप एक दो दिन पहले पढ़ के गए थे मे बी आपने पूरे साल पब्जी खेली कुछ भी करा आइडेंटिफाई दैट गाइज अब देखो इंडिया में सारा खेल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का है एंड द बूटी ऑफ एंट्रेंस एग्जामलीव टू गिव दम वन टाइम लाइक योर बोर्ड एग्जाम्स आई नो प्रेशर बहुत होता था वेन आई वॉज इन ट्वेल्व हमारे लिए एक गेम होती थी कि हम एक ही बार खेल सकते थे बारवीं के बोर्ड एक ही बार देने हैं खराब कर दिए तो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी बट यूट यू डोंट हैव दैट प्रेशर गाइज तो रेकग्नाइज दिस एडवांटेज फोकस ऑन योर एंट्रेंस गेट इन टू अ ग्रेट कॉलेज योर ट्वेल्थ के मार्क्स वोट मैटर एंड आप लोग कहोगे अरे यार आई एम की इंटरव्यू देंगे तो आई एम की इंटरव्यू लेंगे तो वो टेंथ टेखेंगे हाँ देखेंगे तो क्या हो गया कैट में दो तीन परसेंटाइज ऊपर ले आना स्किल्स बना लो इंटर्नशिप कर लेना बढ़िया जगह अगर आपकी कोई डेफिशंसीज हैं तो आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा ठीक है One of my favorite writers, Rilka, जो हमने इंग्लिश ऑनर्स में पढ़ा है ही सेड एन आई कोर्ट नो फीलिंग इज फाइनल वट एवर योर फीलिंग एंगजाइटी हैप्पीनेस यू फीलिंग डिप्रेस्ड यू फीलिंग बीट डाउन बाय द वर्ल्ड के पेरेंट्स आपसे बहुत डिसअॉइंटेड हैं यू थिंक योर नेबर्स विल मेक फन ऑफ यू योर रिलेटिव डोंट लाइक यू नो फीलिंग इज फाइनल इट विल पास दीज इवेंट्स डू नॉट डिफाइन यू इवन इफ यू स्कोड अ हंड्रेड परसेंट और इफ़ यू स्कोड फोर्टी परसेंट इट डज़ नॉट डिफाइन यू एज ए इंडिविजुअल डाइज़ आप अभी पैदा हुए हो आपकी पर्सनैलिटी बहुत चेंज होगी वैन योर सेवनटीन योर अ चाइल्ड वैन यू टर्न एटीन Especially when you go through college and you turn 19, 20, 21, you end up becoming a different person. Trust me, I've already gone through college. It's going to change you by challenging you. So get ready for the challenge. A whole new exciting part of your life is about to begin. Barvi hogai celebrate it. percent pass <laughs> hog. By manau. Manao jaake party shadi Ek do din hai? Manao jaake, Celebrate it. क्योंकि आपने ये पूरी जर्नी कवर कर ली आपने स्कूल को पास कर लिया यू हैव ग्रेजुएटेड एंड नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू एंटर द रियल वर्ल्ड एंड फॉर यू टू मेक अ नेम और अगर आपको अपना नाम बनाना है तो उसके लिए मेहनत अब से शुरू होगी तो इंश्योर कि आप अपने एंट्रेंसिस में बहुत अच्छा करो यू गेट इंटू द बेस्ट इंस्टीट्यूशन पॉसिबल एंड यू ऑलवेज आई होप यू ऑलवेज नो ग्रैंड कैड इज रूटिंग फॉर योर सक्सेस Comments me about how you feel about your board exam results or if there's anything we can help you with. Alright, till next time, keep winning, you champions!